शिक्षक पत्रकार बनकर धड़ल्ले से बालू व्यवसायियों से कर रहा वसूली, पैसे ना देने पर किया मारपीट, मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शिक्षक पत्रकार बनकर धड़ल्ले से बालू व्यवसायियों से कर रहा वसूली, पैसे ना देने पर किया मारपीट, मचा हड़कंप। जानकारी के मुताबिक बताते चलें कि ट्रांसपोर्ट नगर में अनुपम ट्रेडर्स के दुकान पर एक शिक्षक पत्रकार बनकर अपने कुछ साथियों को लेकर पहुंचा और अनुपम ट्रेडर्स के दुकान पर फर्जी पत्रकारिता का धौंस दिखाकर शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा। जब अनुपम ट्रेडर्स के दुकान वाले ने पैसे देने से मना किया तो शिक्षक से बने फर्जी पत्रकार ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ करते हुए दुकान में काम कर रहे कर्मचारी और मालिक से मारपीट और पथराव भी किए, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं मारपीट के दरमियान शिक्षक के साथ गए लोग नशे में इतना धुत थे कि पथराव के दरमियान शिक्षक पत्रकार के ऊपर ही पत्थर फेंक दिए, जिससे शिक्षक पत्रकार के नाक पर चोट लग गई। वहीं शिक्षक चालाकी दिखाते हुए थाने पहुंचकर फर्जी पत्रकारिता का धौंस दिखाकर उल्टा मुकदमा अनुपम ट्रेडर्स के कर्मचारियों के ऊपर करा दिया। वहीं पीड़ित अनुपम ट्रेडर्स के कर्मचारियों का कहना है कि रोड से उनकी दुकान काफी अंदर है। 9 बजे रात को उनके दुकान पर शिक्षक से बना फर्जी पत्रकार 10 लोगों को लेकर क्यों आया था, वहां सीसीटीवी फुटेज में भी साफ साफ दिख रहा है वह दुकान पर किस तरह से दारू के लिए पैसा मांगा और जब पैसे नहीं मिले तो कैसे तांडव कर रहा है। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियां। इधर देखो, ओके जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह बैस है। राजेंद्र जी, कल कुछ रात को कुछ लोग आकर के मारपीट किए थे आपके यहाँ दुकान के पास, क्या मामला है ये? सर, कल ये लोग आए थे करीब 7:30-8 के करीब, और ये था इसमें वो लोकेश छोटू का भाई और एक था पत्रकार, उसको कहते हैं संजय द्विवेदी नाम है उसका, और एक था कुलदीप कोल, एक राजू महाराज करके रहते। चारों कार में आए और मुझसे कहने लगे तो 500 रुपये दारू पीना है। हम कहे अभी दादा नहीं है, अब कहीं से मांगे जाएंगे तो आपको कर देंगे, अभी तो मेरे पास है नहीं। तो लोकेश गाली देने लगे, हे मादर चौथ क्यों नहीं देगा, और यही मारपीट करने लगे मुझसे। कटले, ठीक, फिर क्या हुआ? फिर वो बैस वाल, वो डंडा नहीं होता है जैसे ऐसे मोड़ के वाला, तो लोकेश हमको ऐसे मारे तो संजय द्विवेदी के यहाँ पर लग गया, संजय द्विवेदी का, तो जाके मुकदमा कायम कराया है वहाँ जाके सिविल लाइन थाना में, और फिर वहाँ से 10-12 लड़का बुलाया यहाँ मारने के लिए, है ना। ये सब देख लीजिए, तोड़ फोड़ कुर्सी को कर दिए, ये देखिए ना, ये तोड़ फोड़ कर दिए हैं, ये काउंटर तोड़ दिए हैं, ये पूरा तोड़ फोड़, पाथर वहाँ दही मारे हैं, और ये कूलर का मोटर रोटर सब तोड़ दिए। कभी नया लगा रंजीश की, या फिर आपसे हमेशा धन की उगाही करते थे? यही धन की उगाही हरदम करते हैं लोग, हरदम आए दिन, एक आध बार को गाली गलौज करके मार भी चुके हैं। तो आपने कहीं शिकायत की थी? क्या शिकायत कहते हैं, अब देखिए 20-25 लड़के बुलाते हैं, अब शिकायत करने जाए तो उसी तरफ मार दें, बताइए। क्या हर महीने ही लोग पैसे ले जाते हैं? हाँ सर, आए दिन मांगते रहते हैं, आए दिन, ऐसा नहीं आए दिन। कौन कौन आपको मतलब पत्रकारिता का धौंस दिखा के पैसा मांगते हैं? कैसे? हाँ, पैसा पत्रकारिता धौंस दिखा कर मांगते। किस बैनर का पत्रकार बता रहा था? अब हम पूछे कि उस डंडा निकालिए, लोग कभी तो बताए होंगे ना, किस कभी नहीं बताया बैनर के पत्रकार, कभी नहीं बताया मुझे, कभी नहीं बताया, खाली वो बताते हैं कि मैं पत्रकार। क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या होना चाहिए? हाँ, क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, उसको कोई मारा भी नहीं है, हमारी भी कार्रवाई हो। आपने थाने में शिकायत की है? की है, की है, शिकायत की है थाने में। FIR हुई? वो ले लिए हैं कागज लिख के, आवेदन। नाम बता दीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह बैस है, अनुपम ट्रेडर्स के नाम से हमारा ये है, अनुपम ट्रेडर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।